साथियों, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आम जनता की क्या हालत है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ यह भी जान लीजिए कि 80-80 करके लगातार 10-11 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों बता दूं, यह बात केवल केंद्र सरकार की नहीं है, विभिन्न प्रदेशों की सरकार भी आम जनता के मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार नए नए घोटाले सामने आते जा रहे हैं। छात्र वहां पर परेशान हैं, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला हो। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हजारों युवा सड़कों पर हैं। ये युवा कौन हैं और क्यों सड़कों पर केजरीवाल से न्याय की मांग कर रहे हैं, इस विषय पर भी हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनहितावाज। साथियों, हमारे जो पड़ोसी देश श्रीलंका के जो आज हालत हो रही है वो बद से बदतर हो गई है। हालत इतनी भयावह हो चुकी है कि न तो बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, न खाने पीने का सामान आसानी से मिल रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल आम जनता को किसी भी कीमत पर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण खाने पीने के सामान की कीमत भी आसमान को छू रही है। इस वक्त श्रीलंका में क्या कुछ चल रहा है, कैसी हालत है और वहाँ के लोग कितने भयभीत हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कहीं आखिर हमारे देश में भी ऐसे हालत न बन जाएं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस बात को भी मैं विस्तार से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि श्रीलंका में आम नागरिक की जिंदगी कैसी हो चुकी है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार श्रीलंका में सरकार से नाराज लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। आपातकाल और कर्फ्यू का कोई डर लोगों में अब नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शन करते गिरफ्तार किए गए 54 लोगों को छुड़ाने के लिए 600 वकील कोर्ट जा पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब विपक्ष से गुहार करते दिख रहे हैं कि वे सरकार के साथ मिलकर देश को इस संकट से उबारें। श्रीलंका में इस समय हालत बेहद तनावपूर्ण है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल अस्थिर हो चुका है। लोग पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने खामोश प्रदर्शन शुरू किए, वो चुपचाप पोस्टर बैनर लेकर खड़े हुए और राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग की, लेकिन उनकी मांगें सुनी नहीं गईं। यही वजह है कि अब धीरे धीरे प्रदर्शन आक्रामक हो रहे हैं। 1 अप्रैल को राष्ट्रपति के घर के पास हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा में तैनात स्पेशल टास्क फोर्स के बीच झड़प भी हुई। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आपातकाल लगा दिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है और कर्फ्यू भी लगा है। बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, यानी कि आपातकाल और कर्फ्यू बेअसर हो गए हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने विपक्ष को सरकार में शामिल होने और साझा सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है कि एकजुट होकर ही इस संकट से निकला जा सकता है। तो साथियों, देखा आपने श्रीलंका में किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, सरकार अब बेरुखी नजर आ रही है। सरकार के पास अब कोई ठोस उपाय नहीं है इससे निकलने के लिए। लेकिन साथियों, हमारे देश में भी क्या हालत है ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। महंगाई किस तरह से चरम सीमा पर है, अधिकारी और नेता मिलकर घोटाले करने में व्यस्त हैं, छात्र और युवा परेशान हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा मध्य प्रदेश व्यापम में किस तरह की धांधली सामने आई है। मध्य प्रदेश में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में सामान्य महिला विद्यार्थियों को आरक्षण दिया ही नहीं गया है और ना ही एक महिला कैंडिडेट का उसमें सिलेक्शन किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में तमाम घोटाले होने की आशंका को नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि वहां जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री
कि ये कॉलेज से सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होता है और जांच करने पर वह पेपर वही पाया जाता है जो 25 मार्च को एग्जाम में आया था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने हजारों युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए बेबस कर दिया है। ये वही युवा हैं जो कोरोना महामारी के समय समाज की सेवा करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए और उन्होंने बिना अपनी जान की और अपने चाहने वालों की, अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना समाज में आगे आकर सरकार का साथ दिया। लैब टेक्नीशियन से लेकर के तमाम नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, वैक्सीनेशन ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये तमाम लोग जिन्होंने कोरोना महामारी के समय में सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, आज ये युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। ये युवा दिल्ली के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक जत्था दिल्ली सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने हमसे कई बार गुहार की है कि हमारी खबर को कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा है, उल्टा खबर दिखाने के लिए हमसे मोटी रकम मांगी जा रही है, ईमानदार चैनलों द्वारा मोटी रकम मांगी जा रही है। हमने ये खबर पिछले 2-3 दिन से कई बार कवर भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों में इतना भय का माहौल है कि वो हमसे कहते हैं कि सर किसी भी तरह से हमारी खबर को दिखाया जाए। इसी सिलसिले में कुछ युवा हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर ये वीडियो भेजे हैं, पहले आप इन्हें सुने। जबरदस्ती करोगे सर? नहीं, जबरदस्ती काम कर रहे हैं सर। सर सर हम लोग फीमेल हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास भी दे रहे हैं जो आप जो आप जो मैम आप जो बता रहे हैं, हमारे पास पावर नहीं है इस करने की। जो आप कह रहे हैं वो हमारे पास पावर नहीं है। आप करो तो फिर मैं डोंट वांट टू डू दैट। इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस सर, हम जानते हैं आप लोग हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। सर हम जानते हैं, सर मेरी बात सुनिए, हम जानते हैं आप लोग अलाउ नहीं करते सर, लेकिन हम लोग बस यहाँ पे बैठ रहे हैं। उस रोड पे भी नहीं कर सकते, लेकिन जब मैंने उसमें कहा चलो वही मंडे ग्राउंड पे, मैंने कहा था चलो साइड में, उस वहाँ भी नहीं कर सकते बस, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है साइड में खड़े हैं। स्टार्ट कमिंग हियर एंड अगेन एंड डोमेस्टिक सर, यहाँ पे सबके फास्ट है फीमेल्स के मैम, वहाँ पे तबियत खराब हो जाएगी, यहाँ से ठीक हो जाएगी। पार्क में बिठाया तो सर मेरी सुनेगा कौन यहाँ पे फिर? सर अगर आपका रोल वैसे सर हम लोग बिना कुछ है ये तो हमारे पास एप्लीकेशन भी है, हम लोग आप लोगों से बता के हैं बकायदा, ये बता दे कि हमें वहाँ पे प्रॉब्लम परेशान है, हमारी वजह से आपको परेशानी हो गया, परेशान है सर आपका रोड ब्लॉक नहीं होगा, आपको यहाँ तो शांति नहीं है, इम्पॉसिबल है मैम, यहाँ नहीं है। आप फिर कहें तो मैं आप फिर दूसरी चीज़ बस लगाऊंगा, फिर बस में बिठा के ले जाऊँगा आपको। नहीं सोल्यूशन ये देखो मैम, वहाँ पे नहीं देखो मैम, वहाँ पे जो भी जगह अवेलेबल है हमारे पास जगह नहीं है कि आपको जगह बना दें, जगह दे दें। सर हमने तो बस इतना रिक्वेस्ट किया, हम यहाँ बैठना चाहते हैं सर, प्लीज़ सर छाँव में बैठेंगे सर, रोड प्रेग्नेंट वूमेन्स है उन्हें प्रॉब्लम हमें तो अपनी आवाज़ पहुँचानी है ना सर, आप बताएं। लेकिन चलिए आप जैसे उस साइड में आप बैठ जाओ, छाव आ जाएगी, हम लोग चले जाएंगे सारे लोग अपना शांति से अपनी बात आप सामने से I don't want to use force. मैं यही रिक्वेस्ट है आपसे, आई डोंट वांट टू यूज फोर्स। कुछ नहीं सुनिए, पहले मैंने फोर्स लगा हटाया था, बोर्ड खराब हुआ, उनका सामान छोड़ गया, किसी का मोबाइल छोड़ गया, किसी का चप्पल छोड़ गया। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन विद यू बिकॉज मैंने कहा ना, देखो आप लोग अभी तो बात कर रहे हो, मुझे आधे घंटे बाद जितना पार्क हुई
सर एक मिनट प्लीज सर एक मिनट प्रॉमिस यू सर सर हमारा तो केवल बात पहुँचानी है सर हमारा सर हमारा एक बंदा भी है सर प्लीज सर हमारे बहुत कम आते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें गरिमा में तो साथियों देखा आपने किस तरह से केजरीवाल सरकार और मुख्यमंत्री खुद केजरीवाल जय भीम का नाम जपने से देश की जनता को बेवकूफ समझ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि केवल जय भीम कहने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तमाम दफ्तरों में सरदार भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाने से आम जनता की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और युवाओं को रोजगार देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चाल अब जनता के सामने आ चुकी है और युवाओं में आक्रोश है और सड़कों पर भी हैं। तो वहीं एक और खबर मध्य प्रदेश के ही मुरैना से निकल कर सामने आई है और यह खबर इतनी भयावह करने वाली है कि आप सोचिए जब पटरी पर कोई ट्रेन दौड़ती है तो वो कितनी स्पीड में दौड़ती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुरैना ज़िले में स्थित सिकरौदा रेलवे स्टेशन के आसपास में चलती मालगाड़ी से शक्कर की बोरियों को उतार लिया, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो चोरी कर ली गई। इन बोरियों की संख्या 80 के करीब बताई गई है। लेकिन साथियों ये बड़ी खबर नहीं है कि शक्कर की बोरियां ट्रेन से चोरी की गई, चोरी तो होती रहती हैं। बड़ी बात ये है कि जान को जोखिम में डालकर आखिर जो ये चोर हैं, मैं इन चोरों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साफ बता दूँ, लेकिन सवाल यह है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रेन से चोरी करने की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इन युवाओं को ट्रेन से ही चोरी करने के लिए बेबस होना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर देश और प्रदेशों की सरकारें युवाओं को तमाम वादे करती हैं, तमाम नौकरियों के आश्वासन देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। जब आंखों में आंख डाल के युवा सरकार से मांग करते हैं कि हमें नौकरी दो, हमें न्याय दो, तो सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि पकौड़े की दुकान लगाओ, पकौड़ा बेचो, ये भी तो एक रोज़गार है। लेकिन साथियों शायद इस सरकार को ये नहीं पता कि जिन पकौड़ों को बेचकर आप युवाओं को रोज़गार की नसीहत देते हैं, वो पकौड़े तेल से बनाए जाते हैं। और तेल के भाव इस समय देश में क्या हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो वहीं दूसरी तरफ साथियों देश में पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं 80-80 पैसे करके कि अब हर एक जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। लेकिन सवाल मेरा वह है, क्या इस महंगाई से उन भक्तों पर कोई असर पड़ेगा जो कहते थे कि चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, हम तो मोदी को ही लाएंगे। कुछ साथी हमसे कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि हमारी ये समझ से परे है कि 80 पैसे बढ़ाने के पीछे क्या कारण है। तो साथी मैं बता दूं, जहाँ तक मैंने सोचा है, मेरी ये खुद की ओपिनियन है, तो वो ये है कि सरकार वोट मांगती है तो कैसे 80-20 के फॉर्मूले पर, और सरकार का असल में मकसद क्या होता है, वही 80-20 का फॉर्मूला। लेकिन साथी आपको बता दूँ, हाथी के दाँत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव थे, खास करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वोट किस आधार पर मांगे थे, 80-20 के फॉर्मूले पर। हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने 80-20 में यहाँ पर 80% से हिंदू समाज को रिप्रेजेंट किया और 20% से मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट किया। आज मुझे लगता है कि उसी 80-20 के फॉर्मूले से जो 80 पैसा पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ाने का जो फॉर्मूला है, मुझे लग रहा है कि ये जले पर नमक छिड़कने जैसा काम सरकार कर रही है। जानबूझकर आम जनता को चिढ़ाने के लिए ये सरकार मात्र 80 पैसे बढ़ा रही है। क्योंकि जब कोई कसाई किसी जीव की हत्या करता है तो वो उसे रगड़ रगड़ के काटता है। अगर वो कसाई चाहे तो वो एक साथ उसे झटके में भी काट सकता है, लेकिन क्यों नहीं काटता, क्योंकि फिर उसे दर्द क्यों होगा। तो ठीक यही काम सरकार कर रही है।
सरकार चाहे तो एक दिन में पूरी महंगाई बढ़ा दो, कितना बढ़ाना है उतना। ये 80-80 पैसे का खेल क्या है? तो साथियों मैं बता दूं, ये 80-20 ये 80 पैसे का खेल ये है कि जो भारत की आबादी है वो 80% गरीब आबादी है, और जो 20% जो पूंजीपति हैं, जो सरकार के पिछलग्गू बने हुए हैं, सरकार के दलाल हैं, ये सरकार से मिलकर आम जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आम जनता के हित को न देखते हुए सरकार ये कठोर फैसले ले रही है। लेकिन चलो ठीक है, महंगाई है तो कोई बात नहीं, पेट्रोल पर आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन डर ये सता रहा है कि कहीं हमारे देश को भी श्रीलंका जैसे हालातों के सामना न करना पड़े। तो साथियों आपको क्या लगता है कि श्रीलंका से भारत को कुछ समझने की ज़रूरत है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।